नमस्कार, चलिए आज हम दही भल्ले बनाएंगे। कैसे बनता है वो आप लोग बड़ा बनाएंगे कैसे बनता है और आप लोग भी बताएंगे कैसे बनता है। तो ये मूंग दाल मैंने लिया है और मूंग दाल को मैंने आधा किलो भी वो दिया था, अभी मैं चने में छान लिया है। आप चाहे तो उड़द दाल से भी बना सकते हैं, उड़द दाल और मूंग दाल मिक्स करके, लेकिन मैं सिर्फ उड़द दाल से बना रही हूँ। उड़द दाल हमारे सेहत के लिए उड़द दाल सेहत के लिए सही नहीं होता है और मूंग दाल हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको मिक्स में मैंने पीस लिया, बिल्कुल अदरक बिल्कुल बारीक तरीके से मैं इसको पीस लेती हूँ। इसमें अदरक और हरी मिर्च बारीक बारीक कट कर डाल देती हूँ, इसलिए कि दही भल्ले बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगता है खाने में, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च भी कट करके, और कट करके अच्छे से इसे उसे और भूनने के लिए ऐसे भी फूल सकता है, चाहे तो फेंट के अच्छे से फूल लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसमें इनो डालती हूँ। इनो मैं एक चम्मच डाल रही हूँ और डाल के अच्छे से मैं अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसको फेंट लेते हैं। काला नमक तो अच्छे से फेंट लेते हैं इसको, इसमें नमक टेस्ट काला नमक डाल देते हैं। काला नमक डालने से अच्छा रहता है, टेस्ट बढ़िया आता है। तो आपके पास काला नमक तो गर्म डाल सकते हैं, नहीं तो वाइट नमक। इधर देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम पानी के सहारे हाथ से इस तरीके से उठाएंगे और जो जैसा आप उठा उठा के इसमें इस तरीके से हम तेल में डालते जाएंगे, गोल गोल आकार के बड़े जैसे हम डालते जाएंगे, ये फूल कर बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम तेल में, तेल गर्म हो गया है अच्छा, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। जिससे तेल अगर गर्म नहीं होगा ना तो आप डालेंगे तो नीचे चिपक जाएगा, और तेल गर्म रहेगा तो आप डालते ही बड़े ऊपर तेल के ऊपर तैरने लगता है। तो इस तरीके से हम तेल में हम डालते जा रहे हैं। अच्छे से हम इसमें इस तरीके से देखिए छोटे छोटे डालते जाएंगे। अब हम इस तरीके से तेल में डाल लिया है और देखिए फूलना स्टार्ट हो चुका है। फूल इस तरफ से हम इसको अपने आप देखिए धीरे धीरे हम पलट पलट रहे हैं, देखिए एक दूसरे में चिपक जा रहा है। तो अच्छे तरीके से हम एक एक करके हम पलट दे रहे हैं, इसको पलटते जाएंगे। इतने बड़े बड़े फूल कर तैयार हो गया है और अच्छे से हम पका लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाने देंगे तब हम निकालेंगे। जैसे दही बड़े अच्छे लगेंगे दिखने में भी और खाने में भी अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत इजी भी है बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। दही बड़े कैसे बनते हैं कैसे ऐसा कुछ बड़ा नहीं इशू नहीं है, बहुत ईजी बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितने सुंदर बड़े बड़े फूल कर दही बड़े फूल कर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए अब इसको हम अच्छा तेल से निकाल लेते हैं, बड़े बड़े फूल कर दही बड़े। ये देखिए अच्छा कितना सुंदर कितना बढ़िया लग रहा है, कलर कितना फूले स्पंजेस जैसे फूले फूले इतने प्यारे बने हुए हैं दही बड़े। ये देखिए सॉस के साथ या स्नैक के रूप में अब इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से पलट पलट लगता है, हम मैंने उड़द का दाल नहीं मिलाया क्योंकि उड़द का दाल बादी होता है, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ मूंग दाल से ही मैंने बनाया। प्लेट में निकाल लेते हैं, हेल्दी भी होता है और सेहत के लिए अच्छा भी होता है मूंग दाल। ये देखिए इस तरीके से मूंग दाल से ही मैंने बनाया, और कितना बढ़िया कलर भी आया और खाने में आप ऐसे भी इसको फ्राई करके आप खाएंगे ना सॉस के साथ या चाय के साथ शाम को स्नैक के रूप में, बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया लगता है। और जो बचा था उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, उसको भी पलट पलट के इसी तरह से हम फ्राई करके इसको भी हम रख लेंगे एक प्लेट में। सभी को अच्छे से होली पे आप अपने घर कोई मेहमान आएंगे तो उनको सब परिवार को पूछेंगे कैसे बनाया और कितना अच्छा बन, खाएंगे तो तारीफ करते ही रह जाएंगे, कितना अच्छा दही भले बनकर तैयार हो गया। फ्राई होने और मैंने पानी लिया, गर्म पानी ले लिया है गर्म पानी में, और इसको इसमें मैंने 3 गिलास पानी रखा है। अब इसमें सारे भरे को मैं उठाकर इसमें डालूंगी जिससे ये फूलकर और अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है जिससे टेस्ट अच्छा आएगा, खाने में बढ़िया लगेगा और पाचन के लिए भी हमारा सही रहता है हींग। तो हींग में डाल दिया, इसमें काला नमक पानी में डालकर
अच्छे से हम इस तरीके से डिप कर देते हैं। तो ये पानी को मैंने ठंडा पानी ले या तो गर्म पानी गुनगुना कर ले करके तब इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ, ठंडा पानी भी ले सकते हैं या गर्म पानी, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर दही बड़े फूल कर बड़े बड़े हो जाएंगे। आप स्टोर करके भी इसको रख सकते हैं, लंबे समय तक अपने पानी में से निकालेंगे और अपना निचोड़ कर अपना खा लेंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें डाल देती हूँ पानी फूलने के लिए, जिससे जाओ अच्छे तरीके से फूल कर तैयार हो जाएगा। ये इसमें जितना बड़े रहते हैं इसमें डाल देते हैं, बाकी दूसरे बॉल में डाल देंगे, इसमें पूरा आएगा नहीं। तो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, दूसरा जो मैंने डाला था इसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया। देखिए फूल कर और बड़े बड़े हो रहे हैं और इसमें मैं एक एक जगह बना बना कर कंटेनर में रख दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसमें हम डाल देते हैं, बाकी को हम इस तरीके से बॉल में डालेंगे। ये देखिए बड़े कितने बड़े बड़े फूल हो गए। तो चलिए अब सब करना स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बन के मतलब इसमें दही है, पानी से धीरे धीरे हम दबाकर निकालेंगे और प्लेट में हम रखेंगे। चाट मसाला, काला नमक, वाइट जीरा पाउडर, ये देखिए अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही को भी अच्छे से मैंने फेंट लिया है, ग्रीन वाली चटनी भी इसमें डाल दिया है। ये देखिए जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च, सारी चीज़ों को डाल देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया दही बड़े हमारे बनकर तैयार हुआ था। आप इस तरह बनाइए और खाइए। हैप्पी होली और इन्जॉय करिए।